ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्देशक दिवाकर बनर्जी इस बार लाए हैं एक राजनीतिक थ्रिलर शंघाई। आखिर क्या खास है उनके इस शंघाई में, इसके लिए दिवाकर और शंघाई में खास किरदार निभा रहे अभय देओल से बातचीत की हमारी संवाददाता कोमल ने। लव सेक्स और धोखा, खोसला का घोसला, ओए लकी लकी ओए, ऐसी लीक से हटकर फिल्में बनाने वाली बॉलीवुड में दिवाकर बनर्जी जो जिन्हें हम जानते हैं, और इनके साथ है उनके लकी गाय या अब है दिवाकर। एक बार फिर से लीक से हटकर एक फिल्म ला रहे हैं और बिल्कुल जबरदस्त इस बार शोर मचा हुआ है। शंघाई आप घुमाने ले जा रहे हैं, किस तरह का होगा ये शंघाई? थ्रिलर है, आपको इस 8 जून को दिखेगा कि कैसे एक छोटा शहर जिसका नाम भारत नगर है, जहाँ पे भारत माता की जय जय गान होती है, वो जब शंघाई बनने जाता है तो किस एडवेंचर से गुजरता है। और इस थ्रिलर में हमारे 3 जासूस हैं, एक अभय देओल जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको एक इंक्वायरी कमीशन का हेड बना के बिठा दिया है ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए। हमारे देश में ऑफिशियल इंक्वायरी क्या होती है आप जानते हैं। फिर एक इमरान हाशमी का कैरेक्टर है जोगी परमार, जो अनऑफिशियल हैं, बड़े ही बहुत ही अनऑफिशियल हैं और काफी अनऑफिशियल फिल्में भी बनाते हैं रात को, और वो वीडियो कैमरा लेके जैसे आपके कैमरामैन हैं, वो एक इवेंट कवर करने पहुंच गए और उनको पीछे एक लड़की दिख गई और एक मिस्ट्री दिख गई और उन्होंने कहा मैं इस रात की तह तक पहुंचूंगा। और तीसरा कैरेक्टर है कल्कि, जो उस शहर में भारत नगर में आई हुई है, जो हाफ ब्रिटिश है हाफ इंडियन है, और उनको बदले की तलाश है क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, उनको उसका बदला लेना है। दिवाकर के साथ आप दोबारा भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इस पंजाबी मुंडे को एक साउथ इंडियन बना दिया तो कितनी मुश्किल। दिवाकर लाइक्स टू टॉर्चर मी सिट तो कितनी कितना आपको तैयारी इसके लिए करनी पड़ी एक्सेंट में? और ज्यादा मुझे अपने एक्सेंट पे काम करना पड़ा क्योंकि तमिलिन है, तो फिर ऑफकोर्स उसकी एक्सेंट में दिख जाएगा, आप सुन पाओगे कि ही इज फ्रॉम द साउथ। वी आर हैविंग दिस सबमिशन फॉर यू, इट इज फॉर योर हेल्प ओनली। हेलो, यू डू मॉडलिंग? दारू पीके कितने भीड़ में से एक को कुचला, ये एक्सेंट है। आपने कैरेक्टर है आपका, तीन सॉलिड कैरेक्टर्स के साथ एक और कैरेक्टर है जिनको हम पर्दे पर, खासतौर से हिंदी फिल्मों के पर्दे पर हम देखने जा रहे हैं। प्रसन्नजीत की बात कर रही हूँ, तो कहाँ वो बिल्कुल अलग एकदम बांग्ला से उठा के इधर लाना, ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट? मुझे ऐसा एक हीरो चाहिए था, ऐसा एक सेक्सी हीरो चाहिए था, ऐसा करिश्मेटिक हीरो चाहिए था जो हिंदी फिल्मों के दर्शक थोड़े से उससे अपरिचित हों, लेकिन फिर भी वो जब फ्रेम में घुसे तो लगे कि स्टार घुसा है। दिवाकर ने एक देसी कमरिया की जगह इम्पोर्टेड कमरिया डाल दी है, तो आपको क्या लगा कि देसी कमरिया जो है उनका जादू खत्म हो रहा है जो ये इम्पोर्टेड कमरिया आ रही है? और उस आइटम नंबर में इन्होंने बैठ के वो आइटम नंबर, मैंने बैठ के तालियां मारा। हमारे देश में एक ऑब्सेशन है गोरे चमड़ी को लेकर, तो जो भी फेयरनेस क्रीम्स हैं वो सबसे ज्यादा बिकती हैं क्योंकि हम ये प्रोपेगेट कर रहे हैं टीवी के द्वारा कि अगर आप गोरे हो तो फिर आपको जॉब मिलेगी, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फीड कर रहे हैं हमारे मीडिया, हमारे कॉर्पोरेट्स, और हमारे लोग इंडोर्स भी कर रहे हैं, हमारे एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी इंडोर्स कर रहे हैं उसको। और ऐसा कोई मैंने दूसरा देश नहीं देखा जहाँ पे कोई बाहर गाँव से आकर सक्सेस ले लेता है, उनको अपनी भाषा नहीं मालूम है।